बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। भाई, खाने का तो हर कोई शौकीन होता है, इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़। अगर कोई आपसे नाराज़ है और गुस्से में है और आप उसको मनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। हमारे प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो हमें सिखाते हैं मज़े मज़े का खाना बनाना, और ऐसी रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। और वो लोग जो आपसे नाराज़ हैं या गुस्से में हैं और उनका अगर आप दिल जीतना चाहते हैं तो इन रेसिपीज़ को अपने घर पर ट्राई करें और उनके साथ इंजॉय करें। वो कहा जाता है ना कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के जाता है। अक्सर ये कहावत मर्दों के बारे में कही जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, औरतों के बारे में भी यही बात मशहूर है। कहा जाता है कि इंसान कोई भी हो, सबके दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर कर ही जाता है। तो इसी के साथ ही हम अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज के हमारे जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें अपने स्टूडियो में आज क्या बनाना सिखाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ अम्माद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या बनाना सिखाएंगे आज आप हमें? आज हम बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। लाहौरी तवा चिकन। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं अम्माद के आप क्या लाहौर से? नहीं, मैं तो बेसिकली तो कराची से ही हूँ। कराची से हैं। आजकल जो भी शेफ्स आते हैं और जिनको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो उनका ताल्लुक कहीं से भी हो लेकिन हर इलाके की डिश उनको बनाना आती है और बड़े अच्छे से बनाते हैं, इवन हमको बना के सिखाते भी हैं और खिलाते भी हैं। जी बिल्कुल, खाने का तो खैर शौकीन सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग खाना अच्छा बनाना भी जानते हैं। और लाहौरी तवा चिकन बहुत अच्छी रेसिपी है और थोड़ा बारबेक्यू का भी फ्लेवर आता है, स्पाइस लेवल भी होता है इसके अंदर। तो आज हम लाहौरी तवा चिकन बनाएंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले हम? सबसे पहले हम चिकन को कट लगाएंगे और उससे पहले हम पहले अपना जो गरम मसाला है उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले ठीक है, चूल्हा ऑन करते हैं। तो आपने पहले स्पाइसेस को लेके उनको स्पाइसेस को लेके थोड़ा सा भूनेंगे। ओके। भूनने के बाद उसको ग्राइंड करेंगे, फिर चिकन के साथ हाफ मैरिनेशन चिकन के साथ करेंगे और हाफ योगर्ट के साथ इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले पैन के अंदर ये साबुत लाल मिर्च। ओके। ये कितनी लिया आपने? कम से कम 10 से 12 पीस। उसके बाद इसके अंदर ये लौंग 3 से 4। 3 से 4 लौंग। और इलायची, और इसके अंदर डाल देंगे हम काली मिर्च कम से कम 10 से 12। इलायची आपने कितनी ली है? 3 से 4। ओके, ये छोटी वाली इलायची जो पीली इलायची होती है। अच्छा, अब इसको हल्का सा हम भूनेंगे। इसके अंदर हमने अभी सूखा धनिया और जीरा ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये स्पाइसेस थोड़े से हार्ड होते हैं, ये इतनी जल्दी जलेंगे नहीं, और ये वाले स्पाइसेस थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले हम इनको पैन में डाल के भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें जीरा और साबुत धनिया ऐड करेंगे। जी अम्मा, तो मुझे बताएं कुकिंग के अलावा और आप क्या करते हैं और क्या शौक है आपके? बेसिकली है तो कुकिंग का शौक, बाकी क्रिकेट खेलने का शौक है। ओके। और मेरी कुकिंग स्टार्ट भी कम से कम ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। अच्छा। क्योंकि वालिद साहब बाहर रहे हुए थे। okay. और मेरी वालदा ने वालिद साहब से सीखा हुआ। okay. तो फिर उनसे लिंक बना, तो वालिद साहब को सिर्फ देखा था। इस अभी हो गया, आई थिंक इसमें हम ऐड हल्का करेंगे। से इसमें जब इसकी खुशबू आने लगे तब आज के अंदर जीरा कम से कम 1 टेबल स्पून। ओके। और इसके अंदर ऐड कर देंगे सूखा धनिया, जीरा सूखा धनिया ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे। okay. क्योंकि ये बिल्कुल छोटे हर्ब्स हैं तो ये जल जाएंगे अगर इसको हम पहले डालते हैं। इसको हम भूल के हम इसको ग्राइंड कर देंगे। ठीक है, वैसे हमाज ये जो जीरा आपने यूज़ किया और धनिया यूज़ किया है, इसको घर में क्या भून के रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, भून के रखना चाहिए। और थोड़ी क्वान्टिटी में कम अज़ कम 1 पाव भी बहुत ज़्यादा होगा, 100 ग्राम के हिसाब से इसको भून के रख लें। क्योंकि वैसे रखते हैं तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, काफी दिन अगर ये बंद रहे तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो कोशिश करें इसको भून के रखें। तो और भून के जब रखते हैं तो ये लंबे टाइम तक रह सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये भी एक टिप है कि आप इसको ऐसे अगर रख देते हैं तो इसमें ये खराब हो जाता है, तो आप इसको भून के भी रख सकते हैं।
अभी ऑलमोस्ट ये भुन चुका हुआ है, इसका कलर भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुका हुआ है। ज़्यादा देर करेंगे तो हमारा सूखा धनिया जीरा जल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मशीन में ग्राइंड करेंगे। थोड़ी देर इसको रख दें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो फिर चिकन की तरफ, चिकन की तरफ अब आप यहाँ आ जाए। चलिए, ये हमारे पास चिकन लेग पीस और चेस्ट पीस है। इसके अंदर अभी हम मसाला लगा के इसको हल्का सा चारकोल का भी फ्लेवर हम बाद में भी दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। इसको हम हल्का सा कट लगाएंगे, ओके। इसके जॉइंट्स पे कट लाएंगे तो ये चिकन थोड़ी सी खुल जाएगी और पकाने में भी और इजी होगा। एक यहाँ से अच्छी कट्स वैसे क्यों लगाते हैं, ताकि फ्लेवर अंदर तक चला जाता है, गलने में आसानी होती है, गलने में भी आसानी होती है और लेग पीस गलता भी देर से। तो आप इसको इस तरीके से, और इसमें जो मसाला हम ऐड करेंगे उसका फ्लेवर भी अंदर तक चला जाए। और आप लोग चाहें तो इसको मैरिनेट करने के बाद कम से कम 4 घंटे तक तो इसको रखें ही रखें। ओके, 4 घंटे तक इसको मैरिनेट करके रखें। अगर ओवरनाइट रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, ठीक है। और हमारे पास टाइम कम है तो हम तो झटपट से बनाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। ये इस पे कट्स लग गए, ठीक है। हमाद ने कट्स लगा लिए। इसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो कौन से ऐड करने हैं वो हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज्जत में आज बन रहा है लाहौरी तवा चिकन, शेफ अम्माद हमारे साथ मौजूद हैं। जी, तो नाज़रीन को हम बता दें कि जो स्पाइसेस हमने भून के रखे थे उनको हमने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड कर लिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे अम्माद? अब चिकन की मैरिनेशन करेंगे। ओके, ये मसाला रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हो गया था, उसका हमने इंतजार किया कि वो ठंडा हो जाए, उसके बाद हम उसको ग्राइंड कर लें। अब okay. पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। ठीक है, चिकन की मैरिनेशन करेंगे। चिकन पे कट्स लगा दिए हैं और ये मसाला जो हमने भून के रखा था वो चिकन में ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये चिकन का मसाला। अच्छा, ये क्वांटिटी जो आपने बताई थी वो सारा मसाला इसमें ऐड करना है? नहीं, हाफ ऑफ, हाफ हाफ ऑफ क्वांटिटी के अंदर मसाला डालेंगे। ओके, ये इसके अंदर थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया। ओके, साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ओके, स्पून चाहिए, वहाँ से ले सकते हैं आप। कितना डालेंगे? कम से कम 1 टीस्पून। ओके, क्योंकि हमारे पास चिकन ऑलमोस्ट बहुत हाफ है तो ये इनफ रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा लेमन जूस। ओके, लेमन जूस डालेंगे ताकि ये जो खुश्क और ड्राई सा मसाला है वो आराम से मिक्स हो जाए। बिल्कुल आराम से। अब ये चिकन को हम थोड़ा सा इस स्टेज पे आप इसको कम से कम 4 घंटे तक फ्रिज में रख दें। ओके, इस तरह से मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम कम है, लेकिन आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रख दें जी, ताकि और ज़्यादा फ्लेवर आ जाए स्पाइसेस का। सही, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे घी। घी, घी से क्रीमी फ्लेवर आता है। ओके, और ये आपके तवे पे जलेगा नहीं। अच्छा, मैंने नॉर्मली वैसे रेसिपीज देखी हैं तो उसमें ये देखा है कि लोग बटर ऐड कर लेते, घी का मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ये घी से क्या होता है, एक तो हम जब कढ़ाई अक्सर हम बाहर खाने के लिए जाते हैं तो घी का फ्लेवर टेक्सचर बहुत क्रीमी आता है, और हांडी के अंदर घी किससे शुरुआत होती है, कढ़ाई में भी। ओके, लास्ट में बटर डाल सकते हैं, क्योंकि बटर डालने से क्या होता है पैन में जाएगा तो बटर जल जाता है जल्दी। अच्छा, और इसके अंदर सॉल्ट। ओके, सॉल्ट तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। और वैसे आपने इसमें आई थिंक हाफ टी स्पून, जी हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया हुआ है। अब हमने तवा ले लिया हुआ है। okay. अच्छा, इधर हमने कोयले जला लिए हैं। ठीक है, तो कोयले को हमने रख दिया है ताकि वो अच्छे से स्मोक दे सके, स्मोक देंगे इसका। अब आप यहाँ आ जाए स्टोव की तरफ, ग्लव्स उतार देते हैं। अच्छा, अभी हम दही का जो मिक्सर बनाएंगे। ओके, सेम इसी के साथ मैरिनेट करना है आपने स्पाइसेस। ठीक है, अब ये हमारे पास दही है, कम से कम 2 पीस है आपके पास तो कम से कम 200 ग्राम तक इनफ रहेगा दही। ओके, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे
थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, दही लिया है 200 ग्राम, उसमें हल्दी ऐड कर दी है, और ये जो हमारे पास स्पाइस मिक्स बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हाफ आपने चिकन में डाला था और हाफ आप ये दही में डालेंगे या थोड़ा ही डालेंगे? कम से कम 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक इनफ रहेगा। इसको बना के हम रख भी सकते हैं इस मसाले को? इस मसाले को नहीं, ड्राई मसाले, हाँ ड्राई मसाले को आप रख सकते हैं जब आपकी जरूरत हो। मतलब हमने इसको बना के रख दिया और कभी भी हमें चिकन बनानी है तो उसको हम निकाल के और यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं विस्क कर लूंगा, ओके, ताकि ये मेरे पास एक मसाला रेडी हो जाए और ये मैं बाद में चिकन में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, चिकन में अभी ऐड नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम नहीं, टाइम टू टाइम ऐड करेंगे। ओके, और चिकन को क्या आप तवे पे ऑयल में फ्राई करेंगे? अभी इसके अंदर हमने घी लगा दिया हुआ है। ओके, तो ऑयल की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, दरमियानी आंच पे इसको रखें और इसको अब हम, आपको कुछ चाहिए? नहीं, हो गया। तो ये एक तरह से प्रोटीन डाइट के लिए भी अच्छा है, ज्यादा ऑयली भी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप डाइट पर हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी है तो उसमें भी आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं है, थोड़ा सा घी डाला है तो है। और स्टार्टिंग में आप इसको, अगर अभी हमारे पास कोयले के ऊपर, आप इसको पहले भून लें अच्छे से, कलर दे दें, उसके बाद तवे पे डाल के इसको आप हल्की आंच पे दही डाल के पकाते रहें। ओके, ठीक, बहुत सिंपल रेसिपी है, मैरिनेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए, 4 घंटे तक या 1 दिन पड़ी रहेगी तो और इसके अंदर और अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, आई एम श्योर जब बन के आएगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। अच्छा माद, मुझे एक बात बताएं कि ये जो कहा जाता है कि मर्द जब खाना बनाते हैं, मर्द हजरा, तो उनके हाथ में बहुत टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू औरतें जब खाना बनाती हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी सच्चाई है इस बात? अगर आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएँ, कोई होटल चले जाएँ, किसी भी पकवान सेंटर चले जाएं, तो आपको कहीं खवातीन नजर नहीं आएंगी। हाँ। सिर्फ मर्द नजर आएंगे, वही काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सेकंड आर्मी जॉब है, क्योंकि इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि किचन के अंदर कुर्सी तो खैर नहीं होती है, तो उसी के अंदर वो अपनी खड़े रह के काम करते रहते हैं। और खाना ऐसी चीज है कि आप 4 घंटे की मेहनत करें और विद इन 5 सेकंड्स अगला बंदा बता देता है ये कैसा बना है, तो मतलब मेहनत बिल्कुल जाया हो जाती है। चलें इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, या वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम चिकन को कलर दे रहे हैं और ब्रेक, आप जल्दी से जाएं ब्रेक पे और वापस आएं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हम इसमें क्या करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जी अम्मा, तो बताएं चिकन कहाँ तक पहुँची? चिकन अभी एक साइड इसकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 5 से 6 मिनट आप इसको रखें, देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका हुआ है, कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है, और अभी इसको हम टर्न करेंगे। वाओ जबरदस्त, ये जो हमने मार्क्स लगाए थे तो ये इसके बॉक्सेस बन गए, और इसको अभी हम मजीद थोड़ी देर और पकाएंगे। अच्छा, आपने जो कट्स लगाए हैं उस पे भी बहुत मजे का कलर आया है, वो जो रेस्टोरेंट में जिस तरह का होता है खाना जी, और जी। इसी तरह से सर्व किया जाता है, तो देखें जो शेफ आए हैं और हमें बता रहे हैं बिल्कुल वही रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है। और ये मसाला रेडी हो चुका हुआ है। अच्छा। जो इसको भी कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर इसके साइडों से थोड़ा थोड़ा मसाला इसके ऊपर थोड़ा डालेंगे ताकि ये मसाले में पकता रहे। ठीक है, इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हम ये मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद 1 या 2 टोमेटो साइड पे रिंग काट के रखेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा पकता रहे। ठीक है, चिकन कहाँ तक पहुँची? चिकन को भी कम से कम 2 मिनट तक और होंगे, क्योंकि ये लेग पीस और चेस्ट पीस है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा वरना अंदर थोड़ा कच्चा रह जाएगा। ठीक है जी, तो इसको 2 मिनट है, जब तक नाजरीन हम चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। लाहौरी तवा चिकन, अज्जा, चिकन टिक्का 1 से 2 पीसेस, लहसुन अदरक 1 से 2 टेबलस्पून, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, लौंग 3 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, नमक
हस्बे ज़रूरत, घी 2 टेबलस्पून, नींबू का रस 2 टेबलस्पून, दही 200 ग्राम, हल्दी 1 टीस्पून, कोयला 2 पीसेस। तरकीब, एक बर्तन में साबुत गरम मसाला भून लें, फिर पैन लेकर इसके बाद आधा मसाला चिकन पर लगा दें और आधा मसाला दही में डाल दें। चिकन को तवे पर पकाएं, 10 मिनट तक पकाकर इसमें दही का मसाला डाल दें। थोड़ी देर तक पकाएं, पकाने के बाद टमाटर को गोल कट कर दें, हरी मिर्च के साथ पेश करें। मज़ेदार लाहौरी तवा चिकन तैयार है। जी नाज़रीन, तो आई होप आप लोगों ने रेसिपी नोट कर ली होगी क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अगर हो गया इसमें तो फ्लेवर में चेंज आ सकता है। जी हमारा चिकन कहाँ तक पहुँची? कम से कम चिकन के अंदर 1 मिनट है, आप देख सकते हैं कलर इसका। वाओ, और अभी जो ये स्टीम आ रही है इसमें खुशबू ऑब्वियसली आ रही होगी। खुशबू भी आ रही है और मुँह में पानी भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, टोमेटो को हमने रिंग में काटने हैं। Okay. अच्छा, एक टोमेटो की टिप बता देते हैं। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि टोमेटो को इस तरीके से काटते हैं और इसको वेस्ट कर देते हैं। आप ये छुरी की टिप लें, ये इसके अंदर सेंटर में डालें और इसको इस तरीके से ऐसे घुमा दें तो ये देखें, ये हमें फेंकना होता है। ओके okay. लेकिन हम क्या फेंकते हैं घरों के अंदर, मोस्टली ये फेंक देते हैं। अब ये देखें, पूरा इसमें एक किस्म का मीट लगा हुआ है, हम इसको यूज कर सकते हैं। कितना वेस्ट हो जाता है, महंगाई का दौर है तो ये बचत की टिप्स हैं, इसको बिल्कुल देखें अच्छे से और सीखें भी। तो ये हम गार्निश करने के लिए नहीं, ये हम अपनी जो तवा चिकन है इसकी साइड्स पे रखेंगे। ओके ठीक है। मसाला भी ऐड करेंगे? मसाला कितनी देर पहले ऐड करेंगे? मसाला ऑलमोस्ट जब चिकन आपकी हाफ डन तक हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज मोटी वाली और टोमेटो। ग्रीन चिलीज भी कट कर दी हमने और टोमेटोज भी कट हो गए। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। ओके, ये जो मसाला दही में आपने मिक्स करके रखा है उसको अब हम ऐड करेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मज़ेदार खुशबू आ रही है, फ्लेवर भी बहुत मज़े का लग रहा है और जो अरोमा इसका निकल के आ रहा है खुशबू से ही पता चल रहा है कि कितनी मज़े की रेसिपी होगी ये, कितनी मज़े की डिश है ये। अच्छा जी, ये इसका जो स्मोक है ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर तक अब इसको पकाते रहेंगे। ओके। ये एक्चुअल में तो उनके पास कम से कम इतना बड़ा तवा होता है। ठीक है। उसके अंदर चिकन वो लोग हल्की आंच पे इसको पका रहे होते हैं। अब हम इसको इस तरीके से पकाएंगे, इसको अब हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमारी चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी और इसका स्पाइस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। ये जो कहा जाता है ना कि जो लोग, जो मर्द हजरात कभी कभी खाना बनाते हैं तो उनके हाथ में टेस्ट इसलिए होता है, भाई ये बात तो आज गलत साबित हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, वरना तो रेस्टोरेंट्स के अंदर आए दिन कंप्लेंट हो रही होती क्योंकि वहाँ पे मोस्टली शेफ्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर खवातीन भी काम कर रही होती हैं शेफ्स, लेकिन मोस्टली मर्द हजरात कर रहे होते हैं। और मिडिल ईस्ट और बाहर मुल्क के अंदर तो दोनों, खवातीन भी कर रही होती हैं और मर्द हजरात भी कर रहे होते हैं। सही। तो इसको कितनी देर तक रहने देना है? इसको कम से कम आप 10 मिनट तक इसको करेंगे। पहले आपने 4 मिनट पकाना है, फिर 4 मिनट, फिर 10 मिनट आप इसको पकाएंगे, तब जाके ये दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। ओके, इसमें चिकन भी थोड़ी सी गल जाएगी, दही का जो अपना पानी एक होता है। और ये देखिए, और एक किस्म का मसाला भी रेडी हो जाएगा जो आप, जो बिल्कुल ड्राई होता है वो नहीं होगा, हल्का हल्का सा मसाला भी हो जाएगा। और लाहौर साइड में तो इसी के ऊपर वो लोग चपाती हल्का सा गीला करते हैं इसी मसाले में और उसके बाद इसको खाते हैं। अच्छा, कहाँ से सीखी वैसे आपने ये वाली रेसिपी? ये कुछ रेसिपीज देखकर भी सीखता है इंसान, कुछ रेसिपीज अपने उस्तादों से सीखता है, तो मिक्स एंड मैच है। कुछ रेसिपीज बंदा खा के सीखता है, उसको खाए, खाने के बाद ट्राई करे तो उस तरीके से भी सीखी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके कोई नई रेसिपी लेकर आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बहुत फूडी होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। देखें, कुछ भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी कोई भी चीज़ आपको देंगे नहीं ऐसे ही कि ये ऐसे बनती है, तो आप वो खा खा के, टेस्ट कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके
आप उस लेवल तक पहुंच जाते कि हाँ ये बन सकती है। ठीक है, तो आप इसको डिश आउट करेंगे। बस इसको हम पांच, अब इसके अंदर हम टोमेटोज ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये टोमेटोज इसके साइड पे। ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे जी। ओके, और इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको कवर कर देंगे। इसको और कितनी देर के लिए छोड़ेंगे आप? इसको कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम डिश आउट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और ये जो दही का जो आपने बताई थी क्वांटिटी स्पाइसेस की, और ये सिर्फ इतनी चिकन के लिए है ना? जी, ऑलमोस्ट इतनी चिकन। और अगर ज्यादा स्पाइस चिकन, हाँ, आप लोग स्पाइस कम खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड कर दें योगर्ट की, और फिर आप इसको यूज करते हैं। 4 चेस पीस और 4 लेग पीस भी बना सकते हैं इसी में से। अच्छा, और अगर ज्यादा आपको थोड़ा सा मसाला चाहिए तो आप बिल्कुल योगर्ट को डबल कर दें। अच्छा, लास्ट इसके अंदर हमने अभी तक इसके अंदर घी मैरिनेशन में डाला था, अभी हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। और ये हमारा जो टेक्सचर है ये अब मेल्ट होगा और अब ये हमारी डिश रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जनाब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई आपसे नाराज़ है या आपको किसी का दिल जीतना है घर में या अपनी सास का दिल जीतना चाहते हैं आप, तो ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बना के खिला दें तो उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब इसको डिश आउट करेंगे। मैं आपको, हो गया, तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। हो गया तैयार। टाइम चूंकि कम है तो बस हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये जो आपने रखा था कोयला, इसका स्मोक दे देंगे। ठीक है, ये एल्युमिनियम फॉइल, फॉइल को रख के और कोयले को इसी के ऊपर रख देंगे। कोयले को इसी के ऊपर रख देंगे। ठीक है, और ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा धुआं आ रहा है, अगर धुआं ना आ रहा हो तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको रख देंगे और इसको आप वहां पर रख दें ताकि कैमरे पर अच्छी सी इसकी एक पिक्चर आ जाए। नाज़रीन को इसकी फाइनल लुक भी तो दिखानी है ना जी। तो इसको खोल दें जी जनाब। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सा लाहौरी तवा चिकन तैयार है। आज के हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे दूसरे शो में नई रेसिपी के साथ, किसी नए शेफ़ के साथ। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।